नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। शहर में एक मामला आजकल बहुत चर्चा में है, वो है कुमार टोली का बिंदेश्वरी पथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुल 80 घर है वहां पे, लेकिन पानी निकासी का कोई उपाय नहीं है वहां पे। इस वजह से जो घर का गंदा पानी है वहां सड़क पे बहता है। हालत यह है कि वहां से निकलने का कोई जगह ही नहीं है, लोग पानी से होके सारा काम करते हैं। हाल में ही निगम ने वहां पे नाली निर्माण के लिए फंड की व्यवस्था की थी, फंड को रिलीज किया था, लेकिन इसी बीच जब काम शुरू हुआ तो मारपीट हो गई। बहुत सारे विवाद है इसको लेके, बहुत तरह की बातें कही जा रही है, और उसके प्रमुख व्यक्ति जो है उस वार्ड 27 की वार्ड पार्षद सोनी छत्री कृष्णा, वो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका पक्ष। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज डेली हंसी टीवी में। मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र का मामला है। तो बिंदेश्वरी पथ का वो वीडियो हमने देखा है कि कैसे वहाँ पे पूरा पानी जमा है। सही में बहुत तकलीफदेह स्थिति है। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख ही ले। सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये पूरा विवाद क्या है। बिंदेश्वरी पथ का नाली का समस्या आज का नहीं है, ये वर्षों से चला आया है। लेकिन जब यहाँ जब तीन रेती प्लॉट पड़ता है बिंदेश्वरी के पास, के बाद तीन रेती प्लॉट पड़ता है, और जो अपना अपना प्लॉटिंग करके वॉल खड़ा करके पानी को रोक दिए। इस वजह से क्या हो रहा है, बिंदेश्वरी पथ का 80 घर का जो रोज का जो हम लोग डेली यूज करते हैं पानी, वो जो हम लोग नाली में जाता है वो तो जमा हो ही रहा है। साथ ही वहाँ खजांची तरफ के पीछे एक नाला है, जिसके जरिए पूरा बॉडम बाजार का पानी हम लोग बिंदेश्वरी पथ में चल जा रहा है। नॉट ओनली 80 हाउस, टोटल लोअर बॉडम बाजार का पानी खजांची तालाब के पीछे का नाला से होते हुए पूरा वहाँ दलदल का कंडीशन बना हुआ है। और जब 5 मिनट में बारिश होता है तो वो दलदल जैसा जो पानी ओवरफ्लो होकर सबके घर का नीचे का फ्लोर में भर जाता है। ये कितनी पुरानी समस्या है, कब से चला रही है समस्या? हम तो देखिए, जब से रूबरू हुई हूँ तो 5 साल पूरा होने जा रहा है। तो जब हम क्षेत्र में घूमने जाते थे, वोट मांगने जाते थे, तब लोग हमको बोलते थे यहाँ नाली का व्यवस्था नहीं है, मैं बारिश होने से पानी भर जाता है। तब लेकिन प्लॉटिंग नहीं हुआ था, तब भी ये समस्या थी, क्योंकि पूरा लोअर बॉडम बाजार का पानी नाली नहीं बना होने की वजह से तब समस्या था। लेकिन जब हम नाली बना दिए जीतने के बाद, हमारे स्वर्गीय डिप्टी मेयर ने फंड उपलब्ध कराया था, तो उनका फंड से हम लोगों ने नाली बनाया था। तब बिंदेश्वरी पथ में नाली भी नहीं थी, उसके बाद पानी एज यूजुअल रहती प्लॉट से बैठ के निकल जाता था। लेकिन जब प्लॉटिंग हो गया तो समस्या बहुत ज्यादा। कितना फंड रिलीज हुआ है नाली निर्माण के लिए? अभी फिलहाल की फिलहाल जो छोटा सा ही ज्यादा बनाना नहीं है, अभी तो 10 लाख के ही निकला है। तो ये विवाद जो है, ये जो लोग हैं, जैसे मैंने नाम सुना है शैलेंद्र गुप्ता कोई है, उनका कहना है कि ये मेरी रहती जमीन है, और रहती जमीन पर कोई भी सरकारी नाली या कोई भी चीज ऐसा नहीं बन सकता है, तो ये गलत है, मेरी जमीन का एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है। नहीं, कोई किसी का भी अगर है, उनका हम भावना को समझ सकते हैं। मेरा भी अगर रहती प्लॉट है, कोई आके जबरदस्ती अगर मेरा रहती प्लॉट में चलने का कोशिश करेंगे, तो हम भी उसका ये प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक समय तक ठीक है, लेकिन हम लोग एक प्रोविजन है म्युनिसिपल एक्ट में 2011 का धारा 223 में, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, अगर वहाँ से कोई उपाय नहीं है पानी निकालने का, जिस वजह से वहाँ लोग के घर में महामारी का कंडीशन है, लोग मर रहे हैं वहाँ, जो हम लोग जीव जंतु पाल रहे हैं, जैसे 2-3 दिन पहले की बात है कि 5 दिन पानी में रह के नहीं बैठ पाई एक गौ माता ने, जान गवा दी। तो इस तरह के जब कोई जगह में कंडीशन क्रिएट होता है तो SDM के द्वारा 133 लगा के वहाँ नाली बन सकती है। तो इसमें फिर आप लोगों ने बैठ के बात क्यों नहीं की? अगर एक पार्टी शैलेंद्र गुप्ता है, एक पक्ष सोनी छेत्री और मोहल्ले के अन्य लोग हैं, आप लोगों ने फिर बैठ के बात क्यों नहीं की? अभी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की कि शैलेंद्र गुप्ता से बात करें या आप इसमें नाली के लिए जगह दें? ये तो SDM वाला कोर्ट वाला बात तो आज का है, लेकिन इससे पहले जब हम लोग को जानते नहीं थे, जब हम लोग को लगा अचानक से जब प्लॉटिंग हो गया, तो हम लोग सब रहती प्लॉट के मालिक के साथ बात करने गए। पहला जमीन आता था हाड़ू जी का, वो स्वेच्छा से बोलते ठीक है बना लो, इतना कोरोने का समस्या है हम दे देंगे। उसके बाद आए मनीष अग्रवाल के जमीन, हम लोग तो लाइन बाई लाइन चलेंगे, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर नहीं देंगे तो नाली नहीं बन सकता है। और रैती प्लॉट का जहाँ तक बात था, तब तक हम लोग को भी ये पता था कि उन लोग की रजामंदी के बगैर सरकार के पास कोई प्रोविजन नहीं है, हमको भी यही लगता था। तो मनीष अग्रवाल के पास हम लोग गए, पूरा कॉलोनी वाले लोग गए,
उनको भी हम लोगों ने मना लिया। अब आए शैलेंद्र जी के पास, उनके साथ उनके पास भी कॉलोनी वाले दो तीन बार गए, हम लोग के माननीय विधायक जी भी गए। उसके बाद जब एसडीएम के द्वारा हम लोग जब कोर्ट में जीत गए, जब नगर निगम जीत गए, तब हम उनका जो नोटिस था उसको लेके गए उनके घर आज से डेढ़ महीना पहले। 27/6 मतलब ये तो कौन सा नोटिस लगा है अभी फिलहाल, अगस्त चल रहा है, आज से दो महीना पहले ही ये उन पे मतलब ये हम लोग पास जीत चुके थे कोर्ट में कि उनके वहाँ नाली बनना है, तो अभी हम उनके घर चले गए थे उनसे मिलने के लिए। देखिए ऐसा ऐसा बात है, आपका नाली में अब मतलब आपका जब प्लॉट में अब नाली बनना है तो आप क्या सोचते हैं? हम बोले सबका बारे में बोले, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, बाकी लोगों ने दे दिया है, आप लोग भी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे। हमने बहुत कोशिश की, फिर उसके दो तीन दिन बाद फिर गए, फिर दो घंटे बैठे, बहुत समझाए, लेकिन उनका मानना है कि नहीं मेरा राइटिंग प्लॉट है, हम नहीं दे सकते। अपने एसडीएम कोर्ट से जीतने की बात करी, लेकिन अभी दो दिन पहले मेरी शैलेंद्र गुप्ता जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेगा भरद्वाज जब एसडीओ थी यहाँ पे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि रहती जमीन से हो के कोई भी नाली नहीं निकाला जा सकता है, ये गलत है, ऐसा कोई आदेश है? जी, उन्होंने हमको भी ये बात बोला था जब हम उनके घर गए थे कि सोनी जी आज से आप तब थी नहीं, 10 साल पूर्व का न की ये बात है कि तब वहाँ कॉलोनी वालों में से एक दिन कोई बजरंग अग्रवाल जी है, उन्होंने एसडीएम कोर्ट में मतलब उनके खिलाफ दिया था कि वो नाली नहीं बनाने दे, तब वो केवल एक व्यक्ति का परेशानी था, तब समूह नहीं था, तब उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं था, खाली जमीन था, पानी बहते जा रहे थे, लेकिन वहाँ आज भयानक कंडीशन है और आज म्युनिसिपल एक्ट बदलते ही जा रहा है समय के साथ। लेकिन इतना भयानक तो नहीं है कि दो पक्ष में मारपीट हो जाए और सोनी छेत्री कृष्णा अस्पताल में भर्ती हो जाए, उधर से दो लोग अस्पताल में भर्ती हो जाए। सही एकदम सही बात है आपने ये बोला कि इसमें तो हिंसा प्रदर्शन का कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ही दुख का बात है कि हमारे वार्ड 27 में और हमारे रहते पूरा प्रशासन, और आपने एक सीरियस आपने एक सीरियस सेक्शन भी लगा दिया, धारा भी लगा दिया अपने एफआईआर में। जी सही आपने बोला, ये काम एकदम शांति से करने का है। देखिए उनका रहती प्लॉट है, मान है, उनका हक और अधिकार, लेकिन कुछ कुछ हम लोग के समाज के प्रति भी कर्तव्य बनता है। आखिर वहाँ तीन रहती प्लॉट है, दो लोग माने ना, दो लोग के लिए तो हम लोग कभी एसडीएम के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जब ये नहीं माने तब मजबूरन, क्योंकि हम लोग पूरा बड़म बाजार का पानी विंध्येश्वरी पथ में भेज दे रहे हैं और उसका निकासी बंद कर देते हैं, वो लोग भी सरकार को टैक्स देती है, उन लोग को भी हक है एक शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से स्वस्थ परिवेश में रहने का। वहाँ के अभी जैसा कंडीशन अभी एक घंटा जो अभी बारिश हुआ, पूरा घुटना घुटना पानी उनके घर के अंदर, रोड तो छोड़ ही दीजिए, पूरा घुटना घुटना पानी उनके घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ तो कंडीशन बहुत बुरा है। तो हम तो आज भी मतलब इतना कुछ हो गया, फिर भी हम उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा त्याग करके डेढ़ बाई दो का नाली बनाने दे दीजिए। उनका कहना है कि वहाँ पे कोई सेना में कार्यरत कोई आदमी रहते हैं जिनकी जमीन है, उनकी दो बेटियां हैं, उनका कहना है कि सोनी छेत्री कृष्णा जो है उनका फेवर कर रही है, आपके हस्बैंड कुलदीप कृष्णा है, आप दोनों उसका फेवर कर रहे हैं, वहां से भी नाली निकाला जा सकता था, लेकिन वहां से नाली नहीं निकाल के मेरी जमीन को ही टारगेट किया गया। इस बात को लेकर अगर आप थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा तो पहले जब हमको भी ये पता चला कि हम लोगों ने पहले देखा कि किसका किसका प्लॉट से होके नाली निकल सकता है, क्योंकि सबका घर बन गया है, केवल दो ही जगह प्लॉट खाली है, एक जो उन्होंने बताया जो एक आर्मी और एक ये हम लोग के शैलेंद्र भैया जी, तो एक आर्मी का उनको भी हमने 6 महीना पहले कोशिश किया था, वहाँ क्या हुआ इंजीनियर को ले जाके देखिए वहाँ उनका लेवल बहुत ऊपर है, हम लोग नाली ऐसे ही नहीं बना सकते, नाली के लिए लेवल का सही होना बहुत जरूरी है। उनका केवल 5 डिसमिल उनका प्लॉट है, केवल 5 डिसमिल हो गया, और उसके साथ साथ उसका लेवल इतना ऊंचा है, मेरा नाली यहाँ बह रहा है उनका यहाँ है, तो हम किस तरह से उसको वहाँ चढ़ा के, क्योंकि नाली बनाना खाली जरूरी नहीं, नाली को सक्सेस करना भी उतना ही जरूरी है, तो इसीलिए हम लोगों ने नगर निगम को ही छोड़ दिया था, तो नगर निगम का एक टीम बना, जेई लोग का 4-5 जन का वो टीम जाके वहाँ पूरा सर्वे करके, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि किसी का कहीं रहती प्लॉट में नहीं चढ़ के ही काम करें, लेकिन किस कोई जगह नहीं था, एकमात्र यही उपाय था वो पानी को मतलब वो 80+ लोअर बड़म बड़ा बाजार का सारा पानी को डिस्चार्ज करने का, 100 फीट का बस
नाली बनना है, पानी निकल जाए। उनका जो ऑब्जेक्शन है शैलेंद्र गुप्ता का, जो मैंने उसे सुना कि उनकी जो एक एकड़ की जमीन है उसमें 80 फीट का एंट्रेंस है, वहीं से नाली निकल रहा है, तो उनका कहना है कि नाली तो नाली है, भविष्य में कहीं अगर परेशानी हुई तो फिर उसको खुलना पड़ेगा और वो बदबू और वो सारी परेशानियां, तो ये बात वार्ड पार्षद नहीं समझ रही है, यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं, दबाव दे के मेरी जमीन पर जबरदस्ती नाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं जी। ये बात आपको भी उन्होंने कहा और हमने भी, हमारे सामने भी ये बात रखी कि सुनी जी मेरा पीछे एक एकड़ का जमीन है लगभग, और वो जो है मेरा वो इंफ्रेंस है, और वो 21 फीट उसका चौड़ाई है, जो कि मैं बाउंड्री करने के बाद 18 फीट वो बसता है, उसमें से भी अगर मैं नाली के लिए दे देती हूँ तो मेरा पीछे का जो इतना एक एकड़ का जमीन पड़ा हुआ उसका भविष्य अंधकार चल जाएगा, क्योंकि नाली है जाम तो हो गई। ऐसी ऐसी बात उन्होंने हमने भी कही है, उनका क्या है ना, लेकिन मेरा बात यही है उनसे कहना, कहाँ ऐसा रोड है जिसके बगल से नाली नहीं गुजरती है, आप तो शहर में घूमते हैं, हर रोड के बगल से नाली निकलती, कल जाके आप उनको भी वो प्लॉट बेचना हो या वहाँ उनको फ्लैट्स वगैरह बनाना है तो आपको भी तो अपना उसका पानी डिस्चार्ज करना है, आपको भी तो नाली का जरूरत पड़ेगा, तब नगर पालिका का जरूरत पड़ेगा ही। और बची बात अगर वो नाली जाम हो जाने का, तो हम बताएं उनको बीच बीच में हम लोग एक चेम्बर डालते हैं, अगर जाम हो भी जाती है भविष्य में कभी भी, बस वो चेम्बर खोलना है, वो जाली हम लोग वहाँ लगाए हुए रहते हैं, वहाँ कचरा हटा के फिर बंद कर देना है। देखिए नाली का समस्या हमारे हजारीबाग में है, जाम का समस्या भी है, लेकिन हम लोग इससे दूर तो हो नहीं सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमने उनको ये भी बताया आपके प्लॉट में पानी जाने से पहले ही, तीनों प्लॉट में, तीनों रायती प्लॉट में पानी जाने से पहले कॉलोनी में ही हम एक स्क्वायर टाइप का एक चेम्बर बनाएंगे, जिसमें लंबा लंबा जाली लोहा का, वहीं पे सारा प्लास्टिक्स वगैरह सारा वहीं फंस जाएगा, केवल पानी तीनों रायती प्लॉटों के डिस्चार्ज होगा। इनको हमने जेई के साथ बैठ के बहुत समझाया है, लेकिन होता है कि उन्होंने एकदम मान ही लिया है कि हमको नाली नहीं बनाने देगा। हमें जो सुने हैं वो एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जो जिसका इतिहास पलटते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो एक छोटा सा समाज सेवा, एक त्याग से अगर हमारा समाज का भलाई हो जाता है तो हम लोग को आगे बढ़ के उसको करना चाहिए, हम तो ऐसा मौका ढूंढते हैं। एक मार्ग विदेश्वरी पथ, एक नाली विवाद, इसमें मारपीट हो गया, सोनी छेत्री कृष्णा अस्पताल में भर्ती हो गई, आप जनप्रतिनिधि हैं, आखिर कैसे सलटेगा ये मामला, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं जो ये समस्या को झेल रहे हैं, रोड पे पानी जमा हुआ, अभी भी मैंने फोटो देखा वहाँ का, वीडियो देखा, काफी पानी जमा हुआ है, बिल्कुल रहना मुश्किल है, साथ में बीमारी का भी खतरा है, आखिर आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि मारपीट तो कोई सोल्यूशन है नहीं, ये कैसे सलटेगा ये मामला? ये जो मारपीट हुआ इससे केवल मैं ही नहीं, उनका बेटा को भी बहुत छोटे आए हैं, यहाँ चिक्स में बहुत ज़्यादा लगा है, इधर के वो जो लेबर्स लोग जो काम कर रहे थे उन लोग को भी बहुत चोट लगी, वो लोग तो उन लोग के मतलब सीएनटी वगैरह तो हम रिक्वेस्ट के छोड़ दो, हम लोग इसको अपने स्तर से हैंडल कर लेते हैं। तो ये सब बहुत दुखद घटना, उस टाइम बोले तो हम लोग को, मेरा तो एकदम बीपी शाम तक पूरा डाउन हो गया था, हमको अपने समझ में नहीं, क्योंकि मेरा ये लर्निंग पीरियड वार्ड पार्षद बनने के बाद हमको लगता है पहला 5 साल तो लर्निंग पीरियड में ही चला जाता है, और ये पहला केस है हजारीबाग के लिए, अगर ये अगर हम लोग इसमें सक्सेस कर जाते हैं प्रोविजन एक्ट लगा के तो बहुत रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हमारे हजारीबाग में और भी बहुत ज़्यादा इस तरह का परेशानी हो रखा है लोगों को, जो कि एक नेतृत्व की कमी की वजह से, एक प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से हाईलाइटेड आज तक नहीं हो पाया। लेकिन हम जहाँ तक है तो 5 साल जब मेरे को मिला है तो हम अपना क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए ही मैं हूँ, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो कि रहती प्लॉट है बोल के। हम जब भी काम करेंगे सरकारी प्रक्रिया से मैं आई थी, आगे भी और दुरुस्त होके सरकारी प्रक्रिया के साथ ही म्युनिसिपल एक्ट के साथ ही हम काम करेंगे। लेकिन ये जो हिंसा प्रदर्शन हुआ इसको हमने डीसी के सामने कल मिलके हमने बात रखी, ये बहुत ही बुरा हुआ, आगे जब भी काम है वो इसको में थोड़ा शांति बना के ही काम करेंगे, क्योंकि हम उस दिन गए थे ऊपर से हमको ऑर्डर था एसडीएम पर नाली बनवाने के लिए, हम लोग फोर्स भेज रहे हैं, मजिस्ट्रेट भेज रहे हैं, आपका वार्ड है, आपको भी वहाँ प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए हम गए थे। लेकिन ये पूरा मामला तो उलझ गया जी, और जी, ये जो शैलेंद्र गुप्ता इसे लेके हाईकोर्ट चले गए, वहाँ एडमिट भी हो गया ये केस, तो आपको नहीं लगता है कि अब तो ये फंसा, अब तो ये कानूनी उलझन में प्रक्रिया में फंस गया है ये मामला पूरा, ये सटेगा कैसे? जी आप बैठ के आप उनसे फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे? अगर
एक उपाय ये भी है, अगर बैठने के बाद और एक बार अगर समझाने के बाद समझाने का अगर मौका है मेरे समझाने से वो समझते हैं तो हम एकदम हम अपना मेरे जो उस दिन जो पर्सनली अटैक हुआ वो सब को हम अपना पर्सनल चीज को अलग रखते हुए अपना जनता अपना इतना घर जो डूब रहा है उन लोग के हित के लिए हम फिर से उनसे बात करने के लिए तैयार। मैं आपसे अंतिम सवाल लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चांद पर पहुंच गए और इतनी तरक्की हमने कर ली है, तरह तरह के हथियार बना रहे हैं, तरह तरह के गैजेट्स बना रहे हैं और हजारीबाग के लोग नाली के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है और जब बाहर के लोगों को ये पता चलेगा दूसरे जिलों के लोगों को यहाँ के लोग एक नाली के लिए मार काट कर रहे हैं तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। आपने जो कहा वो तो सच में ही सोचने वाली ही विषय है कि हम लोग अभी कहाँ सोचना चाहिए, हजारीबाग को कैसे हम लोग और अच्छे से अच्छे डेवलप कर सके, एक अच्छा मुकाम बना सके, यहाँ के लोग में वो जागरूकता होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा 100 फीट का नाली के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी चिंतित हैं इस विषय में। इसमें थोड़ा सा लोग को आगे आके जिनकी वजह से ये काम रुका हुआ उनको थोड़ा सा त्याग करते हुए समर्पित करते हुए समाज को ये प्लॉट नाली बनाने के लिए दे देना चाहिए। साथ ही हम आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं, हमारे वार्ड के साथ साथ वो बिंदेश्वरी पथ में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने जीविका उपार्जन के साथ साथ बहुत सारे फैमिलीज को भी घर चलाते हैं, क्योंकि वहाँ सब व्यवसायी लोग दुकानदार लोग हैं। उनके घर के नीचे बहुत सारे लोग का गोदाम भी है जो कि पानी घुसने की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मजदूर लोग हैं उनके साथ जो इन्वॉल्व है तो काम बंद होने का समस्या भी हो गया हम लोग के ये पानी जल जमाव की वजह से, क्योंकि वहाँ अभी घुस भी नहीं पा रहे लोग, गाड़ी नहीं जा रहा है, सामान नहीं निकल पा रहा है, दुकान नहीं पहुँच रही, मतलब जीविका उपार्जन में भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए हम आपको यही बोलना चाहते हैं, बिंदेश्वरी पथ का समस्या छोटा नहीं है, महामारी का कंडीशन है, हर तरह से वो लोग फंस गए हैं और आपके द्वारा हम पूरा समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी सामाजिक काम होता है उसमें रुकावट ना बने। उम्मीद करता हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द सलट जाए। आप यहाँ पर आई और समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सोनी छेत्री कृष्णा, अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।